यहाँ की जो समस्या उनका समाधान होगा। और हमने एक शुरुआत करी है, आगे राजनीतिक दल मिला करके विधानसभा के सारे सदस्य मिलकर के निर्णय लेंगे और हम किसी चीज के विरुद्ध नहीं है। गैरसैंण में भले ही विधानसभा भवन का शिलान्यास हो गया हो, लेकिन स्थायी राजधानी के मुद्दे पर एक बार फिर विरोध के स्वर सुनाई दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए बीजेपी का संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही अजय भट्ट ने मांग की कि सरकार इस मामले में श्वेत पत्र जारी कर अपना रुख साफ करे। या 11 महीने 23 दिन आपको बंद रहना है तो क्या फायदा, इस बात पर बिल्कुल पुख्ता है आज भी कि श्वेत पत्र जारी करके जनता को बताएं और इसको तुरंत जिला घोषित कर दें ताकि विश्वास बढ़े। बीजेपी के इस हमले पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने स्थायी राजधानी का मुद्दा अपनी सरकार के दौरान क्यों नहीं उठाया। जो लोग केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बात कर रहे हैं, वो लोग जब सरकार में थे, आज बीजेपी कहती है कि नहीं साहब ग्रीष्मकालीन सत्र बनना चाहिए। बीजेपी 5 साल रही सरकार में, तब क्यों नहीं उन्होंने इस बात को कहा। गैरसैंण की जनता को विधानसभा भवन के तौर पर एक नायाब तोहफा जरूर मिला है, लेकिन ऐसा नहीं कि विधानसभा भवन बनने के साथ ही गैरसैंण की जनता का सालों लंबा इंतजार पूरा हो गया है। विधानसभा भवन के बाद गैरसैंण को अब इंतजार है तो सिर्फ विकास का। राहुल सिंह शिखावत और पंकज पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। प्रकाशपन जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि गैरसैंण राज्य बनने के पहले से लगातार ये मुद्दा जो है ये इसको हाइप दी जाती रही। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है कि पत्थर लग गया, अब आगे सरकार कह रही है कि जो हमने वायदे किए वो पूरे होंगे भी, लेकिन वायदे पूरा करने के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जरूरी धनराशि है, जो जरूरी तमाम चीजें हैं, वो कहां से आएंगी? वायदे हवा में नहीं पूरे होंगे ना। आवाज नहीं आ रही। अभी कल आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊंगा कि जो ये तमाम वायदे हैं, वायदों के को पूरा करने की जो तमाम चीजें कही जा रही हैं, ये कैसे पूरा होगा? इसके लिए धनराशि चाहिए, प्लानिंग चाहिए, वो है क्या? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि भावनात्मक पक्ष से अगर मैं सोचूं तो आज का दिन ऐतिहासिक है उत्तराखंड के उस इलाके के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए नहीं, उस इलाके के लिए ऐतिहासिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी विभाजन रेखा है, कुछ लोग इसके विरोध में, कुछ समर्थन में। लेकिन मुझे सोचता हूं, इसका स्वागत करते के साथ ही मेरे जहन में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि 12 वर्ष तक इतनी हुकूमतें और इतने सूबेदार ये तय नहीं कर पाए कि आखिर राजधानी कहां रहेगी, और सिर्फ भावनाएं दी हैं 12 वर्षों में, कहां से चलेगी सरकार ये तो तय कर लेते सरकार। और दूसरी चीज जो मुझे इसमें हैरानी की लगती है वो ये, ठीक है, वो गैरसैंण के इलाके का विकास हो जाएगा, होटल खुल जाएंगे, मॉल खुल जाएंगे, एयरपोर्ट बन जाएगा, बसें बढ़िया चलने लगेंगी, जनता के आर्थिक संसाधन उसके बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे, राजधानी बनेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड इतना समृद्ध राज्य है कि वह 2 राजधानियों का खर्चा उठा ले? जी प्रकाश पंत जी, सवाल बहुत मौजू है कि वायदे बहुत सारे हैं, 12 वर्षों में जनता को सिर्फ भावनाएं मिली हैं, और अमिताभ जी का सवाल बहुत मौजू इसलिए है कि क्या उत्तराखंड इतना समृद्ध, आर्थिक तौर पर इतना शक्तिशाली प्रदेश है कि वो 2 राजधानियों का खर्चा उठा ले? आज की जो स्थिति है, जो भावनात्मक विषय पर कांग्रेस ने ये आज राजधानी के मुद्दे को हटा करके केवल मात्र विधान भवन तक लेकर के आई है, और उस विषय पर अगर हम आर्थिक पक्ष पर गौर करें तो हमारे राज्य का 14,000 करोड़ का नॉन प्लान का खर्चा है, और उसके साथ साथ 8,000 करोड़ से लगभग हमारा प्लान का व्यय है, अर्थात कुल 22,000 करोड़ रूपये का खर्चा है, और हमारी आमदनी है मात्र 6,700 करोड़। और इस तरह से जो हमको अभी विधान भवन निर्माण करने के लिए 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 5 वर्ष में प्राप्त होंगे, वो 82 करोड़ रुपया होगा, और इस पैसे को 5 वर्षों की किस्तों पर हमको प्राप्त होगा। इसके माध्यम से मात्र शिलान्यास तो ये कर पाएंगे विधान भवनों का, लेकिन विधान भवन अपने तय सीमा में पूरे हो पाएंगे? 2 विधान भवन हमारे तय बन पाएंगे, ये एक संशय बना हुआ है। पहला तो संशय यह है कि केवल मात्र विधान भवन ही बनने के बाद क्या इस राजधानी का जो परिदृश्य है ये समाप्त हो जाएगा क्या? दूसरा यह है कि ये राजधानी का विषय एक मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है, जो विकास के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र के का कार्य करता है,
और जब ये राजधानी चयन आयोग बैठा था और उसने अपनी रिपोर्ट दी और बहुत लंबे अंतराल के बाद रिपोर्ट दी और सौभाग्य से उस रिपोर्ट को मैंने ही सदन में रखा था और उस रिपोर्ट के 3 खंड थे। उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से उसने अध्ययन के बाद जो 5 ऐसे क्षेत्र थे जिनका उसने अध्ययन किया था और उस अध्ययन के बाद उसने जो रिपोर्ट में अपनी अनुशंसा की थी वो देहरादून के पास नत्थनपुर नाम की जगह है उसके पास उसने एक अलग से शहर इस शहर से जोड़ करके बनाने की बात कही थी। और जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने कहा ये तो यहाँ के जनभावनाओं के अनुकूल नहीं है और उसके चलते हुए हमने सदन में बहस के लिए इसको रखा। दुर्भाग्य से उसमें सदन में इसमें चर्चा नहीं हो पाई, इसके चलते हुए हम निर्णय नहीं ले पाए। लेकिन आज की जो आर्थिक परिदृश्य है, जो आज की स्थिति है, उस स्थिति पर हम 2 राजधानियों का खर्चा उठाने की स्थिति में नहीं है, 2 विधान भवनों का खर्चा उठाने की स्थिति में नहीं है और ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस का केवल और केवल लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक स्टंट है जी। ये स्टंट अभी कल थपलियाल, अब आम जनता के साथ तो लगता है कि 12 वर्षों में प्रदेश के नेता स्टंट ही कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कह रहा, लेकिन अगर मैं बहुमत की बात करूं, 50+1 की बात करूं, 51% से ज्यादा बात करूं, मैं सबको, जैसे प्रकाश जी कह रहे थे हमारे पिछले मुद्दे में कि आप सबको ऐसा मत नहीं बोल सकते, ठीक बात है, मैं बहुमत की बात करता हूं, वो बहुमत जिसमें सरकार बनती है, जिसमें सिस्टम चलता है, बहुमत के नेताओं ने तो कम से कम सरकार के साथ स्टंट ही किया है, पॉलिटिकल स्टंट ही जनता झेल रही है। अविकल, अतुल जी जो आज गैरसैंण में हुआ है इसे मैं आधा हकीकत आधा फसाना मान रहा हूं। ठीक है, हकीकत यह कि शिलान्यास हो गया। अब शिलान्यास के आगे अगर होता है तो वो हकीकत ही मानी जाएगी, अगर नहीं कर पाती है सरकार तो वो फसाना बन जाएगा। हो सकता है ये गैरसैंण का जो मामला था कि पिछले काफी समय से ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, इसको आप ये भी मान सकते हैं कि मरे सांप की तरह था और इस मरे सांप को फिलहाल मुख्यमंत्री भागुड़ा ने अपने गले में डाल लिया है। गैरसैंण में शिलान्यास जो करके उन्होंने जो सपने अब देश की जनता को दिखा दिए हैं, उत्तराखंड की जनता को दिखा दिए हैं, अगर वो उन्हें पूरे नहीं कर पाए तय समय में तो यही गैरसैंण उनके लिए बूमरैंग साबित हो सकता है। अविकल जी, हालांकि अविकल जी शूरवीर सेजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, आज हमारे स्टूडियोज में आने वाले थे अविकल जी और प्रकाश जी के साथ बैठने वाले थे लेकिन वो कमोवेश आ नहीं पाए किसी वजह से। सेजवान साहब जी भाई साहब, क्या हाल चाल है? हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। अविकल थपलियाल हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं देहरादून से, प्रकाश पंत जी वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, दोनों कह रहे हैं कि साहब ये जो भावनात्मक तौर पे कांग्रेस की सरकार ने गैरसैंण के मुद्दे को उछाला है ये बूमरैंग बन जाएगा। देखिए ऐसा है, गैरसैंण का जो को राजधानी बनाने का जो मुद्दा था ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों की हृदय की पुकार थी। उसमें कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों ने बरसों तक ये आंदोलन चलाया और लाठी गोली खाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस की सरकार को। सजवान साहब वक्त का थोड़ा तकाजा ये है कि वक्त थोड़ा कम है, बहुत देर से हम आपका इंतजार कर रहे थे। मुझे बताइए जो तमाम वायदे सरकार ने किए हैं, क्या प्रदेश की सरकार आर्थिक स्थिति में इस लायक है कि वो 2-2 राजधानियों का 2-2 विधानसभाओं का खर्चा वहन कर सके? इतना पैसा कहां से आएगा? जनता की जो भावना है हाँ, उसके लिए हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। सहयोग की कर्जा रूप से नहीं, जो सहयोग मिलेगा शूरवीर साहब, जो सहयोग मिलेगा वो सहयोग कर्जे के तौर पर मिलता है ना, और घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, चूंकि भावनाएं हैं, वो बेटी की शादी में राजधानी चलेगी उससे पूरे देहरादून से लेकर के और पूरा त्योनी से लेकर के वहां तक जो जाएंगे लोग जो जाएंगे तो पूरे रास्ते भर के लोगों को वहां व्यापारियों को लाभ होगा वहां की जनता की। आप मेरी बात, मेरा सवाल थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए सजवान साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, भैया पहले दाने तो ले लो तब भुनाने चले जाना, घर में पैसे नहीं है, खर्चा हम लगातार किए जा रहे हैं, कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, अरे उधार लेके घी पीने की कौन सी परंपरा है भाई? देखिए ऐसा है, ये जनता जो चाहती है सरकार को वही करना चाहिए
और हमारी सरकार ने वही किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को। और अगर अगर ये निश्चित रूप से जिसकी इच्छा शक्ति हो गई है और इच्छा शक्ति के अनुसार ग्रीष्मकालीन सरकार अगर वहां चलती है तो निसंदेह यहाँ के लोग बहुत उत्साह से काम करेंगे। जी जी प्रकाश पंत जी, प्रकाश पंत जी आखिरी कमेंट आपसे कि भाई उधार लेकर घी पीने से क्या फायदा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली। आप राजधानी का झुंझुना दे रहे हो। अतुल जी यहाँ की जो मूल अंतर्विरोध उत्तराखंड आंदोलन का था वो विकेंद्रीकृत विकास को लेकर के था और उस विकेंद्रीकृत विकास के पीछे का जो भाव है वो राजधानी को लेकर के है और आज इन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया विधानसभा का। ये अगर अस्थाई राजधानी ही घोषित कर दें लेकिन उसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं कतई इस बात की घोषणा नहीं करूंगा कि अस्थाई राजधानी होगी। अगर वो राजधानी ही अस्थाई घोषित कर दें तो भी जनता कुछ माने की उपलब्धि है। ये तो केवल मात्र विधानसभा की बात कर रहे हैं। पांच दिन का सदन भी अगर संचालित कर लेंगे, पहले विधानसभा बन जाए भवन, उसके बाद की बात है। पहले तो मुझे तो सबसे बड़ा संशय आर्थिक स्थिति के आधार पर यह हो रहा है कि हमें 12वें वित्त आयोग और 13वें वित्त आयोग में 200 करोड़ रुपया राजधानी निर्माण के लिए प्राप्त होना था जिसमें 110 करोड़ के लगभग हमारा व्यय हो चुका है। अब मात्र हमारे पास 88 करोड़ के लगभग हमारे पास बचा हुआ है जिसमें दो विधान भवन बनने जो संभव ही नहीं है, दो विधान भवन बनना। और इस तरह से ये केवल मात्र चुनावी स्टंट है, यही बात मैं इसलिए कह रहा हूं। और ये केवल जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, इस पूरी चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है, आपकी संक्षेप में संवाद की टिप्पणी। देखिए चारवाक ने कहा था जो भी अतुल आप कह रहे थे वही कि यावत जीवेत शरद जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो अगर यही करना है तो दो चार विधानसभा और भी कहीं के बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं मानता हूं जनता को अंततः अच्छा नायक वो जो जनता को अच्छी सरकार दे, ठीक बात है, उसके काम हो, तरक्की का माहौल हो, विधानसभा कहीं हो, वो भवन लाल पत्थर से बने या नीले पत्थर से बने या पीले पत्थर से बने, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है उस सदन के भीतर जो लोग बैठेंगे उनकी विजडम से, उनके विजन से, उनके कंसर्न से कि सरकार का कितना सरोकार है उस प्रदेश के आम आदमी से। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा जनता के साथ सरोकार स्थापित करिए। भवनों की लड़ाइयों में बहुत कुछ हासिल जनता को कभी नहीं हुआ। जी, और यहां पर एक व्यक्तिगत तौर पर मैं एक चीज और सोचता हूं, मुझे नहीं पता कि ये कितना फिजिबल होगा, लेकिन जैसे कोई दुकान खुलती है, कोई फैक्ट्री खुलती है, उसका बाकायदा एक नियम होता है कि साहब आपको इस फैक्ट्री को घाटे में नहीं चलने देना है, दुकान को घाटे में नहीं चलने देना है। जो राज्य सरकारें हैं जनहित के नाम पर क्या कितना भी कर्जा मोड़ लेंगे क्या? कोई एक तो सीमा होगी, कोई एक तो टेंटेटिव कोई इक्वेशन होगा जहां पर हम लैंड करेंगे। हम कर्जा लेते जाते हैं, आमदनी 6000 करोड़ रुपया, कर्जा ले लिया 22000 करोड़ रुपया का खर्च किए जा रहे हैं जनहित की बांधी कर, जनहित दिखाई नहीं पड़ रहा, विकास नजर नहीं आ रहा। इन योजनाओं को विकास परख विकास उन्मुखी बनाया तो जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो विकास जमीनी तौर पर दिखे भी, और दूसरा जितनी चादर उतना पांव पसारेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया जनता जनार्दन का भी हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर यूं ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी।
120,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं।